आप देख रहे हैं मिशन न्यूज पाकिस्तान की आवाज। इंटरनेशनल मरकज सत्यानी शरीफ निजाती चौक सजावल सिंध पाकिस्तान। आस्थान बाबा साईं के हजरत अली मौला अली शेर खुदा की महफिल मुनक्कद की गई। इस महफिल में बाबा साईं की हजारों की तादाद में मुरीदों की शिरकत। आइए जानते हैं मिशन न्यूज के कैमरामैन अमान अहमद के साथ रिपोर्टर वक्कास अंसारी की इस रिपोर्ट में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि हम ज़िले सजावल सत्यानी शरीफ में मौजूद है, यहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से एक महफिल रखी गई है। बहुत मशहूर उसकी मेरे पास मदीने का बेटा है दरवेश, इसके भाई उसके फादर थे, अभी बेटा हुआ है, मदीने पाक से आया। वो अक्सर फरमाते थे मैं अल्हम्दुलिल्लाह के रजब शुक्र शुक्र अजब कहता रजब और देखेंगे अजब। ये रजब तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मेराज का जो क़िबला मुफ्ती साहब ने शुरू किया फिर तेरा रजब है बहुत रजब, बल्कि सरकार आज़म महबूब सुबहानी गौसे समदानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वरीयत तालिबीन में फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है। कितनी बड़ी बात है, गौर से सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रजब शहर रमजान अल्लाह पाक का महीना है। तो अल्लाह पाक का फजल है कि रजब शरीफ का महीना है और तेरा रजब और मौला अली की बेन ये किताब है और के गम सैयद मोहम्मद अहमद कादरी ये इसने तफसीर हसनात भी लिखी है और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शाह आइए नाज़रीन, हम आपको बाबा साईं के खलीफा हाफिज़ सुलेमान साईं जो मरीजों को तावीज़ दे रहे हैं, आइए उनसे मिलते हैं, इनको देखते हैं तावीज़ के किस तरह दे रही है। बाबा साईं के आस्थाने में मुरीदों के लिए फी सबीलिल्लाह तावीज़ भी दिए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरे साथ एक साहब मौजूद है माशाल्लाह, साईं के मुरीद है माशाल्लाह ये भी, तो इनसे एक सवाल करना था कि ये बाबा साईं जो साईं के खलीफा जो हाफिज़ सुलेमान साईं जो मरीजों को तावीज़ दे रहे हैं, तो इनको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, मतलब
वालेकुम सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत फेस मिल रहा है जी, उनको शिफा है। इतना रश माशाल्लाह देख लें कि आम जगहों पे नहीं होता। लोग ये एक गांव के अंदर आके, गोट के अंदर छोटी सी जगह, यहाँ पे आके लोगों का इतना रश है। तो यहाँ पे लोगों को फैज है तो लोग आ रहे हैं ना। कैंसर का यहाँ पे इलाज है और बहुत सारे मजीद इलाज हैं। हमारे घर में खुद लोगों को शिफा मिली है, मेरे अपने घर वाले हैं, हम लोग इस वजह से आते हैं और यहाँ। अच्छा, ये आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, मतलब जो आ नहीं रहे, मतलब बाबा साहब के पास, उनको क्या? मैं ये कहूँगा कि आप आएँ, एक दफ़ा आके आप देखें, आपको इंशाल्लाह खुद ही यहाँ पे सुकून और फ़र्क नज़र आएगा। डॉक्टर इलाज अपनी जगह है, लेकिन यहाँ का जो इलाज है ना वो आप लोग आके करवाएँ। ये रूहानी है, ये कुरानी इलाज है, रेहानी रूहानी इलाज है, ये आयतों पे इलाज है। तो आप लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ आके इलाज कराएँ। डॉक्टर इलाज देखें हर कोई करता है, हर कोई करवाता है, वो शहर में लो इलाकों में लोग हर जगह जगह डॉक्टर हैं जी जी। तो वहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे भी आके आप लोग इलाज करवाएँ, एक दफ़ा यहाँ से भी आप जी। नाज़रीन, मेरे साथ एक बाबा साहब के मुरीद माशाल्लाह शामिल थे, आइए और लोगों से गुफ्तगु करते हैं। गुजारिश कर दोस्तों, मुझे शाम वरी परे पंध भी आए उते पहुंचणो आए। हजरत रोजे धणी रजी अल्लाह तआला अलैह जे जिक्र जे लाए साईं जन सवेर हुकुम फरमायो। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, आइए इनसे एक सवाल पूछते हैं। क्या बाबा साईं के पास कब से आ रहे हैं? मैं बाबा साईं के पास 8 साल से आ रहा हूं और बाबा साईं से हमें बहुत फैज हासिल हुआ है। बाबा साईं की बरकत से बहुत हमें बुलंद मर्तबा मिला है। बाबा साईं की बरकत है, इंशाल्लाह मानते हैं इंशाल्लाह। जैसा कि हमने आपको बाबा साईं के आस्थाने के मनाजिर दिखाए और लोगों से बात भी करवाई, कैमरामैन अमान अहमद के साथ वकास अंसारी, मिशन न्यूज़ कराची।